अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप पंजाब लॉ एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर बीए एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी फाइव ईयर, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स, बीकॉम एलएलबी फाइव ईयर, देन सोन कोर्सेज, तो उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करेंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिकवरी कैसे होगी आपकी डिटेल्स की, गलत फॉर्म फिल कर दिया, कोई डिटेल्स आपसे गलत फिल कर दी है, आप उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए पंजाब लॉ एडमिशंस डॉट जी एन डी यू डॉट ए सी डॉट इन वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे, यहाँ स्टेप्स भी बताए गए हैं। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, इसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका ज़रूरी है सही फिल करना। फिर आपका लॉगिन होगा, अपलोड अ सिग्नेचर फोटो करेंगे, फिर एकेडमिक टेल फिल करेंगे, बेसिक टेल फिल करेंगे, अदर टेल फिल करेंगे, पेमेंट होगी, फाइनल प्रिंट आउट होगा और उसके बाद आप फर्दर टेस्ट की वेट करिए, आपका टेस्ट कब होता है। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। फिलहाल हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें से कोर्स चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा करना है, 10+2 करना है या 3 ईयर्स करना है। फिलहाल हमें 10+2 करना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे, उनका फादर नेम फिल करेंगे, उसके बाद मदर नेम फिल करेंगे, जेंडर आएगा बच्चे का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं इनका आपने बड़े ही ध्यान से फिलिंग करना है, कोई भी गलती होगी तो इनके जो करेक्शंस हैं वो थोड़े कह सकते हैं लेट ही होते हैं। और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, लेट मीन टू से कि कम ही करेक्शंस होते हैं। आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड ओटीपी, ईमेल ओटीपी आपको यहाँ से सेंड कर दिया गया है। तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि हमें ओटीपी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ हम सेट कर लेते हैं, पहले ओटीपी आपका वेरीफाई होगा, उसको हम वेरीफाई होने देते हैं। तो यहाँ पर हमें ओटीपी रिसीव हो गया है, तो आप यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड सेट करेंगे। जब आपको ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है सॉरी इनवैलिड ओटीपी, हमें यहाँ पर 2 ओटीपी आए हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड ओटीपी फिल करते हैं। अगर आपको ओटीपी नहीं आता, यू कैन आल्सो रीसेंड योर ओटीपी बाय क्लिकिंग ऑन सेंड ओटीपी ऑन मेल। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आप पासवर्ड सेट करेंगे, जिस पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन करेंगे इन फ्यूचर, तो हम ये पासवर्ड सेट करते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन सबमिट, आपका जो डाटा है जो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सोन, ये आपको आपकी आईडी मिल गई है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया गया आपके मेल और ऑन योर मोबाइल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन एप्लीकेशन नंबर हमारे पास आई है, पासवर्ड हमने जो सेट किया था वो हम पासवर्ड फिल कर लेते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, घर बैठे फॉर्म फिलिंग करवाना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी आपके नोट्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा, हाउ टू क्वालिफाई और क्रैक दिस एग्जाम, पूरा आपको जो मटेरियल हमसे मिलेगा। तो उसके बाद आप लॉग इन करेंगे, यहाँ से लॉग इन में कैप्चा यहाँ पर गलत हो गया है, तो कैप्चा हम फिर से फिल करते हैं और यहाँ से लॉग इन करेंगे। पासवर्ड में इशू आ रहा है, तो पासवर्ड हम फिर से फिल कर लेते हैं, लॉगिन, तो लॉगिन देखिए हो गया। मैं इसको फ्यूचर के लिए सेव कर लेता हूँ। 5 ईयर कोर्स है, 10+2, नाम डिटेल आपकी आ गई है, फोटो और सिग्नेचर नॉट अपलोडेड येट, तो आप अपलोड फोटो साइन पे जाएंगे, यहाँ से फोटो सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका फोटो रहेगा उसको सेलेक्ट करिए, अपलोड करिए। तो यहाँ पर प्लीज़ अपलोड एज पर डिमेंशन डिस्क्राइब्ड, चलिए तब तक सिग्नेचर देखते हैं, फिर हम इसका साइज़ सेट करेंगे, बिकॉज इसका साइज़ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर तो हमारे अपलोड, यहाँ पर प्लीज़ अपलोड फाइल एज पर डायमेंशन, तो ये देखिए इसका साइज़ है दिस वन और इसका साइज़ है दिस वन। तो इसका एडिट आपने कैसे करना है, 300 300 आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो को राइट क्लिक करके आप यहाँ से ओपन विद पे जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, हमारे थ्रू भी फ़ोटो साइज़ वगैरह सेट करा सकते हैं। इसको सॉरी पेंट में ओपन करना था, मैंने इसको दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर दिया, इसको यहाँ से क्या दिस वन इस पेंट पेंट में ओपन करेंगे।
तो इसकी डायमेंशन सेट करेंगे जैसे इन्होंने दी है, सिलेक्ट साइज पर जाएंगे, पिक्सल में जाएंगे, एस्पेक्ट रेशियो हटा देंगे 300 × 300, इसको ओके कर देंगे और यहाँ से क्लोज करके सेव कर देंगे। अब फोटो देखते हैं, यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो ये देखिए अपलोड हो गई है फोटो सक्सेसफुली। सिग्नेचर भी ऐसे ही देखते हैं, 300 × 190, सॉरी 90 not 190। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे ये कांटेक्ट करके अपना डाटा वगैरह सेट करवा सकते हैं। इसमें भी आप अगेन पेंट में जाएंगे, यहाँ से साइज पर जाएंगे और एस्पेक्ट रेशियो हटा देंगे 300 × 90, ओके कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे, क्लिक करिए, अपलोड करिए। और यहाँ से ये देखिए डायमेंशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फिर से देखते हैं। देखिए ये जो चीज़ है आपका, ये चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आपका आगे प्रोसेस ही नहीं कंटिन्यू होगा। साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको साइज़ यहाँ से डिक्रीज़ कर लेता हूँ, बाकी तो हमारी फ़ोटो वगैरह जो है वो तो प्रॉपरली कन्वर्ट हो गई है। जैसा हमको साइज़ चाहिए था इसका हम साइज़ कर लेते हैं, चलिए 350 × 350, 350 कम हो गया, चलिए 500 कर लेता हूँ मैं। तो ये आपको साइज़ वगैरह सेट करने आने चाहिए, तो अगर आपका साइज़ नहीं सेट तो आपका आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, जो भी मैंने इसकी डायमेंशन सेट किया अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन जो इन्होंने दी है अपने उसमें पोर्टल पे। तो यहाँ पर मैं चलिए एक बार इसको प्रॉपर सेट करके अपलोड कर लेता हूँ। तो हमारे सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाएगा बिकॉज आपको पता है ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर 10th की 12th की डिटेल फिल करेंगे बिकॉज हम ये 3 ईयर्स का फिल कर मतलब आफ्टर 12th फिल कर रहे हैं। तो 12th आपने कौन से ईयर में किया, यू कैन फिल डेट डिटेल्स, जैसे पहले 10th है, 10th 22 में किया, रोल नंबर आपका आएगा जो 10th का था। उसके बाद आपका यहाँ बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था वो आप फिल करेंगे, मैट्रिक है, सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे वो फिल करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी, आईसीटी। मार्क्स आपने कितने सिक्योर किए हैं और कितने में से आपने सिक्योर किए हैं, देन सो ऑन, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऐसे ही 10+2 आपने करंट में किया इन बच्चे ने, उसके बाद कौन से बोर्ड से किया है, यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम उसने चूज़ की थी, नॉन मेडिकल में था बच्चा, तो इसमें आपको पता है पीसीएम होता है, फिजिक केमिस्ट्री मैथ्स, और एक्स्ट्रा इन्होंने लिया था फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, बाकी डिपेंड करता है कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपने लिया उसके अकॉर्डिंग। इसमें इनकी कितनी परसेंटेज थी या मार्क्स थे वो आप फीड कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये दो इन्होंने किया बिकॉज आफ्टर 12th कर रहे हैं ये देखिए कोर्स 5 ईयर कोर्स 10+2 काउंसलिंग, काउंसलिंग नो फर्स्ट सॉन डेट, लास्ट डेट इनकी 26 जून फीस पे की। उसके बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये टेल आपकी सेव हो जाएगी। अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं एडिट कर लीजिए पहले पहले, फिर उसको लॉक करिए, अदरवाइज लॉक मत करिएगा। एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप चेंजेस नहीं कर सकते। फिलहाल हमारा सब कुछ ठीक है तो हमने लॉक कर दिया है। तो हम इसमें एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट आपकी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग पंजाब स्टेट में जो भी मेरा डिटेल है वो फिल कर रहा हूँ, बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी, कैटेगरी ध्यान से चूज़ करनी है। हैव यू पास्ड 10th एंड 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल सिचुएशन इन पंजाब, मतलब जो पंजाब में स्कूल से उन्होंने आपने पास किया तो उसको यस कर दीजिए, अगर आप अदर स्टेट के हैं उसको नो कर दीजिए। अदर स्टेट की कैटेगरी यहाँ पर जनरल ही होगी, तो ये डिटेल बड़े ही ध्यान से फिल करनी है। उसके बाद सेव कर दीजिए, डाटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यू हैव सिलेक्टेड अपडेटेड द बेसिक डिटेल, प्रोसीड टू चूज योर पर्टिकुलर्स अदर डिटेल्स। देखिए इसमें क्या है, ये है आपका कुछ एनसीसी वगैरह कुछ भी है ठीक है, नहीं तो उसको देखते हैं। इसमें एनए है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, एडवांस ऑन, इसमें आपका अगर कुछ भी नहीं है यू कैन फिल इट ब्लैंक, सबमिट करते हैं या ब्लैंक उठा लेगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, मूव टू नेक्स्ट स्टेप, फी पेमेंट अब आपका आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू माई कैटेगरी, मेरी जर्नल है पंजाब डोमिसल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी जो फीस है 26 जून तक आपने पे करनी है, जिसकी फीस है 2000 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। रजिस्ट्रेशन फी फॉर लॉ कोर्स फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ पर 2000 फीस है। यहाँ पर आप HDFC का गेट पे यूज़ कर सकते हैं या अदर ऑनलाइन मोड यूज़ कर सकते हैं। HDFC के गेटवे के थ्रू आप चालान जनरेट कर सकते हैं,
पे फी यूजिंग बैंक चलान। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि बार इनके ऐसा होता है कि आप एक बार चलान पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी फ़ीस ऑफलाइन पे होगी, तो आप ऑनलाइन ही पे करिए ये मोड का यूज़ करके, ऑफलाइन को रहने दीजिए। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सेकेंड लिंक है जो, इसमें मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, डायरेक्टली ये डिटेल आ रही है बैंक की जो GNDU का है, बिकॉज ये जो एडमिशन्स है ये GNDU ही करवा रहा है। आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ करिएगा, UPI का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार सम इश्यूज़ आ जाते हैं वाइल पेमेंट डन वी UPI मोड्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करेंगे, आपके अकाउंट में ऐसे पेमेंट है जो आपकी डेबिट हो जाएगी और उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और साथ के साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो जनरेट हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर के लिए। और इन फ्यूचर प्रेफरेंसेस के लिए जो भी आपकी इन फ्यूचर अपडेट्स आएंगी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बाकी ये था पूरा प्रोसेस A to Z जो मैंने आपके सामने बताया, इसको करके देखिए। कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी घर बैठे फॉर्म फिलिंग करवाना चाहते हैं, नॉट ओनली दिस वन, एनी टाइप ऑफ फॉर्म, कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस है वो आप हमारे थ्रू फिल करा सकते हो। ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।